नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूं जिला विरोची वीरेंद्र कुमार। दर्शकों, 30 तारीख की जो भारत फिनांस कंपनी से लूटपाट हुई थी, उसी क्रम में आज दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बताते चले 20,000 रुपया नकद भी बरामद हुआ है। साथ ही साथ दो डब्लू कुमार और अमित कुमार यादव दोनों को कोतवारी गांव खैरा थाना से गिरफ्तार किया गया। दर्शकों, तो जिस तरह देख पा रहे हैं कि झाझा में लोग बाहर के आके अपराध कर कर चले जाते हैं, हालांकि उसको नहीं पता है कि झाझा का थाना अध्यक्ष राजेश रैना, एसडीपी रविशंकर प्रसाद है। साथ ही में शशिभूषण सिंह जो एच आई हैं, इन लोगों ने मिलकर DIO की टीम और टाइगर मोबाइल के तमाम लोगों ने मिलकर दोनों को अरेस्ट किया। साथ ही साथ 20,000 नकद बरामद किया है। दोनों को अगली कानूनी कार्रवाई करते हुए जमुई जेल भेजने का प्रशासन ने काम किया है। देखिएगा हमारी खास रिपोर्ट। SDP रविशंकर प्रसाद जुड़ रहे हैं। सर, क्या कुछ हुआ है? अभी 30 मार्च को जो भारत फाइनेंशियल नॉन बैंकिंग कंपनी से जो रकम लूटी गई थी, उसमें दो अभियुक्त और अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। पूर्व में संदीप कुमार को गिरफ्तार किया गया था, जिसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, जिसके पास जिसके निशानदेही पर इसमें लूटी गई टैब बरामद किया गया था। उन्हें इन लोगों लगातार सतत निगरानी और SP साहब के निर्देशन के चलते और पुलिस का लगातार प्रयास के चलते इसमें शेष बचे दो अपराध कर्मियों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसमें दोनों एक ही गांव कोदरी खैरा थाना के रहने वाले हैं, जिसमें डब्लू यादव और एक अमित कुमार है। डब्लू यादव के घर से उनके निशानदेही पर छुपा कर रखा गया, इसमें लूटी गई 5,000 रकम बरामद कर लिया गया है। साथ ही ये जो अमित कुमार हैं, इनको गिरफ्तारी के बाद सर्च करने पर इस लूट की रकम 15,000 रुपया इनके पास से भी बरामद कर ली गई है। एक शेष बच रहा है लाइनर, जिसे बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लगभग इस मामले में सारे उद्भेदन हो ही गया है सर। हाँ। नकदी में अभी 20,000 रुपया नकद बरामद हुई है। हाँ, 20,000 रुपया बरामद किया जा रहा है। इसमें लूटी गई टैब और मोटरसाइकिल भी बरामद कर लिया गया है। अभी जो दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, क्या इनका भी पुराना इतिहास रहा है आपराधिक या नहीं? अभी तक तो इनका कोई पुराना आपराधिक इतिहास नहीं मिल रहा है। जो पहले गिरफ्तार हुआ था, उसका दो कांडों में और इन्वॉल्वमेंट था, जिसके लिए उसको जेल भी भेजा गया था पूर्व में। सर, संदीप यादव के साथ ही इन दोनों की गिरफ्तारी, मतलब तो कुल तीन लोग इस मामले में गिरफ्तार हुए, तो और लोग भी हैं शामिल सर? हाँ, एक लाइनर है जिसे बहुत जल्दी हमारे टारगेट में है वो। कुल चार लोग थे। कट जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी इन लोगों को। हर्ष, रुक जाओ, भैया लोग को आ रहा है, छोड़ रुको, भैया लोग को ले लेंगे।